भाग पाजू हाथ पाजू हाथ पाजू हाथ बगरा नदी का पुल चला गया। देखिए हवा भी नहीं, आप लोग लाइव देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अररिया में 12 करोड़ की लागत से बना पड़रिया घाट का पुल। उद्घाटन का था इंतजार, अधिकारी लापरवाह, तो कैसे होगा बिहार का विकास। बिहार में एक बार फिर भ्रष्टाचार का पुल गिरा। दरअसल मंगलवार को अररिया के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बना पड़रिया ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ठेकेदारों ने नदी से निकले बालू से ही ब्रिज का निर्माण कर दिया था और यही वजह रही कि नेपाल में हल्की बारिश के बाद जैसे ही नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई तो निर्माणाधीन पुल के दो हिस्से नदी में समा गए। भाग पाजू हाथ पाजू हाथ पाजू हाथ बगरा नदी का पुल चला गया। देखिए हवा भी नहीं, आप लोग लाइव देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया। तो वहीं डीएम और आरईओ के एग्जीक्यूटिव का मोबाइल नंबर नहीं लग रहा। अगर विभागीय अधिकारी की आंखों पर संवेदक की मेहरबानी का पर्दा नहीं पड़ता तो आज बकरा नदी पर बन रहा सिकटी प्रखंड से कुर्सा काटा प्रखंड को जोड़ने वाला पड़रिया पुल नदी के गर्भ में नहीं समाता। लेकिन विभागीय लापरवाही और संवेदक की अनियमितता पूर्वक कार्य के कारण पड़रिया ब्रिज बकरा नदी में समा गया। पहले तो आप स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए और समझिए कि ये केवल पुल नहीं गिरा है बल्कि सिस्टम पर लोगों का जो भरोसा है वो भी गंगा में विसर्जित हो गया है। बताया जा रहा है कि बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था लेकिन इससे पहले ही करोड़ों की लागत से बना ये पुल धड़ाम से चंद मिनटों में देखते ही देखते गिर गया, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। बताते चले कि सिकटी प्रखंड के पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था लेकिन मंगलवार को पुल के तीन पिलर नदी में धंस गए। तो वहीं सूचना मिलते ही पुल निर्माण करने वाली एजेंसी के लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन की टीम भी आ गई। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था जिसे लेकर ग्रामीणों ने पहले ही कई बार विरोध जताया था। सर, ये पुल जो आप अभी जो ध्वस्त हुआ आप देख रहे हैं, इस पुल में पहले भी इस पुल के विरुद्ध ग्रामीण बहुत सारे ग्रामीण ने इसका विरोध दर्ज कराया था लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारी एवं संवेदक के मिलीभगत से इतनी ही निहायत घटिया सामग्री का इसमें यूज किया गया है कि आप बता नहीं सकते। इसी नदी के बालू का, मिट्टी मिला हुआ बालू का यूज इसमें किया गया और जो है मतलब सिर्फ कमीशन खोरी हुआ ना। छड़ का यूज है, आप देखेंगे तो 8 mm का छड़ से पुल खड़ा कर दिया गया। पहले भी हम लोगों ने कई बार इसका विरोध किया लेकिन उसके बाद जब विरोध ग्रामीण विरोध स्टार्ट किया तो उसके बाद जो है सुबह के बदले दिन के बदले रात में संवेदक ने काम चालू करके पुल को किसी भी तरह से तैयार कर दिया जिसका आज परिणाम सबके सामने है। कैसे पुल टूट गई? देखिए पुल तो अभी बन के तैयार ही हुआ था, इसका अप्रोच भी नहीं बना था और हम लोग जो है उस दिन स्कूटी को भी बुलाए थे। कई तारीख था? अगले माह में था सर, पिछले सब महीना में जो है स्कूटी बुलाया था और सब लोग को बुला करके और अप्रोच के लिए तो कैसे अप्रोच बनेगा उसके लिए दिखवाए थे। उसी दिन जो है हमको लगा कि जो पुल जो है गड़बड़ बना है और पुल ऐसा गड़बड़ बना जो इसमें पाइलिंग किया ही नहीं और ऐसे नीचे में ढाल करके। और इसमें खास बात ये रहा कि जो ये लोग जो है कोई रात दिन में काम नहीं करता था, रात में काम करता था जिससे रात में लोग जो है देख नहीं पाता था जो क्या कर रहा है और ऊपर में स्लेब डाल करके और जमीन पर और उस पर जो है ढलाई। कितने की लागत वाली? 12 करोड़ की लागत से। किस योजना का था?
ये ग्रामीण कार्य कौन सा कंपनी, कौन ठेकेदार कर रहा था? ठेकेदार तो सिराजुर रहमान है किशनगंज का। कोई कंस्ट्रक्शन होगा ना? तो उसका कंस्ट्रक्शन का हमको भी याद नहीं है, लेकिन ठेकेदार का नाम यही है। मैंने ये पुल कंप्लीट हो चुका था, पुल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, उद्घाटन का इंतजार कर रहा था। उसका अप्रोच नहीं बना था ना, तो अंडर कंस्ट्रक्शन था। हाँ। अब इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों से स्थानीय आरजेडी नेता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पड़रिया पुल को एक बार जान लीजिए, संवेदक और जो है इंजीनियर का दोष से वो पुल गिरा, मात्र अप्रोच की वजह से वो पुल अभी बाधित था। और वो नदी का एक नेचर है, वो हमेशा पानी में पानी जो है उसका कटाव होता है। और क्या कहिएगा, मोटा मोटी मान लीजिए संवेदक और जो वहाँ अभियंता जो था उसका दोष है। कितने दिनों से बन रहा था पुल? वो तो बुझिए कि और 2 साल लगता, भले गिर गया वो, अभी तो हमको लग रहा है 6 महीना पहले कंप्लीट हुआ है। अप्रोच की वजह से बाधित था वो, अप्रोच जो है जो संवेदक अभी 6 महीना में नहीं बना सका बरसात के टाइम में, तो उस पुल का क्या उपयोगिता था, भले गिर गया वो। बात हम बता देते हैं कि सिकटी ब्लॉक में जितना भी काम होता है, हम पूरे अररिया जिला या पूरे बिहार की बात नहीं करेंगे, किसी भी काम का गुणवत्ता का अगर जांच कर लिया जाए, जबकि उसका क्वालिटी कंट्रोल है, पता है खाना पूरी कर पूर्ति करने आता है वो लोग, वो तो फुल्ली लोकल बालू से बना हुआ है पुल। वही नहीं, अभी जितना भी सड़क बन रहा है बेट मिसाली से बन रहा है, बेट मिसाली जो हो रहा है पूरा लोकल बालू है उसमें, गुणवत्ता का तो कहीं कोई मामले नहीं है। उस पर चर्चा करना मतलब है कि वो बेकार का बात है। क्या चाहते हैं आप लोग? उसका जांच हो उच्च स्तरीय। 12 करोड़ का पुल, एक दिन भी पब्लिक चल नहीं सका, वो पुल गिर गया आज, इसमें होना क्या चाहिए? त्वरित जांच करके कार्रवाई हो उस पर, और संवेदक और सहित जो अभियंता था यहाँ उस पर, उसको तो तुरंत FIR होकर जेल जाना चाहिए। इधर घटना को लेकर सदर SDO ने बताया कि पुलिस को प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, साथ ही अधिकारियों की टीम भी जांच करने के लिए पहुंची है। तुरंत ही BDO CO एवं SHO को स्पॉट पर अरेस्ट कराया गया, उसके बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार मैं भी स्पॉट पे गया। निर्माणाधीन पुल का 3 पिलर जो है वो बकरा नदी में समा गया था। पुल पे आवागमन सुचारू रूप संचालित नहीं था, अप्रोच रोड का निर्माण का कार्य होना बाकी था। किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति की वहाँ पे नहीं हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चौकीदार के प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, और आम जनता को आवागमन में समस्या न हो इसके लिए सरकारी नाव की व्यवस्था कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, साथ ही जैसे एक सूचना प्राप्त हुई है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से विभागीय टीम कल पटना से आएगी और इस संदर्भ में पूरी तरह जांच करके कार्रवाई करेगी। प्रथम दृष्टया क्या लगा सर, इस पुल को गिरने के पीछे क्या हो सकता है? ये एक जांच का विषय है, जो विभागीय टीम आएगी वो जांच करके इस संबंध में बताएगी। बता दें कि बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इससे पहले भी भागलपुर के सुल्तानगंज का अगवानी पुल गंगा नदी में समा गया था। गनीमत ये रही कि हादसे में अब तक किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब केसरी TV के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट। 12 करोड़ का पुल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।